मिलिंद गावा जो कि अभी बिग बॉस ओटीटी में आप सभी को नजर आ रहे होंगे, जिनका कल रौद्र रूप भी आपको देखने को मिला होगा, उनके बारे में राखी सावंत कुछ ऐसा कहती हुई नजर आ रही हैं, जिसको सुनकर हम लोग काफी शॉक हो गए हैं। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। आप में से कई लोग ये अग्री करते होंगे कि मिलिंद गाबा अभी तक अपने फॉर्म में नहीं आए हैं, या फिर यही उनकी पर्सनालिटी है कि वो ज़्यादा ना झगड़ों में पड़ते हुए नजर आए हैं, ना बेमतलब का विवाद करते हुए नजर आए हैं। लेकिन यहाँ पर जब राखी सावंत से पूछा गया कि वो मिलिंद गाबा के बारे में क्या बोलना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली मिलिंद गाबा काफ़ी फेमस हैं, म्यूजिक MG जो उनका टैगलाइन है या उनका ब्रांड नेम है वो बहुत फेमस है, ऐसे में राखी सावंत कहने लगी कि मिलिंद गाबा तो खुद को लोखंडवाला का यहाँ पे निक जॉन समझते हैं, पता नहीं खुद को क्या समझता है वो और क्या करना चाह रहा है समझ ही नहीं आ रहा है शो में। इस तरह की बातें बोल के कहीं ना कहीं राखी सावंत ने ना सिर्फ मिलिंद गाबा की बेइज्जती की है, बल्कि उन्होंने हमको वो इंसिडेंट याद दिला दिया है जहां पर निकी तंबोली ने उनके मेकअप के लिए बोल दिया था कि लोखंडवाला का मेकअप है, और उस पर सलमान खान ने निकी तंबोली की अच्छे से क्लास लगाई थी कि लोखंडवाला का बोल के आप लोग क्या साबित करना चाहते हो, लोखंडवाला की ऑडियंसेस आप लोगों का शो देखती है, उन्हीं की वजह से ये शो है, तो आप लोग क्या कहना चाहते हो, लोखंडवाला की बेइज्जती करके क्या साबित करना चाहते हो। तो भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे राखी सावंत को अपना ही पास्ट याद नहीं है, अपनी ही बातों पर जिस पे उन्होंने आंसू बहाए हैं वो याद नहीं है, और दूसरे कंटेस्टेंट्स की बेइज्जती करती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस पूरी खबर के बारे में, लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी कई सारी खबरें हैं जो लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।